हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्याम इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन और आंसर जानेंगे जो कि रिसेंटली इलेक्ट्रीशियन से पूछा गया है इंटरव्यू में। तो बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन से पूछा गया है जो कि सिलेक्शन हुआ, उसी में से मैंने 10 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो बताए हैं जो कि सारे से पूछा गया है इसे। ठीक है दोस्त, तो ये वीडियो आप लास्ट जरूर देखें। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो वीडियो जरूर देखिए। गल्फ के लिए आप तैयारी कर रहे थे, वीडियो जरूर देखिए। तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप नहीं जानते क्या, बहुत कुछ वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप इंटरव्यू देने जा रहे थे वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो आपको बताना है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान तरीका से एक लाइन बताना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होता है? आप जब भी स्विच ऑफ करते हैं ना, तो उस पर स्पार्किंग होता है, तो क्यों होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो आप बताना है क्योंकि सर्किट में अधिक इंडक्टेंस रहता है, ठीक है, तो इसीलिए वो स्पार्क करता है। ये अभी दोस्तों, अभी का क्या है, इंटरव्यू ऑनलाइन हो गया है, तो छोटा छोटा सवाल पूछा जाएगा, तो मैंने छोटा छोटा सवाल और जवाब दिए हैं। तो इसमें आप उत्तर बिल्कुल आसान तरीका से दिए हैं जो कि ऑनलाइन में आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए छत के पंखे के बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा होगा, तो आपको बताना है डीसी पंखा होगा, जो कि रोटर उसका घूमता रहेगा ना, तो वो डीसी पंखा होता है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान को कोएफिशिएंट कितना होता है? ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी कंडक्टर के तापमान के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको उत्तर में क्या देना है, आप बिल्कुल आसान तरीका से बता सकते हैं। ठीक है, आप बोलना है विभिन्न तापमान पर अलग अलग रहता है, अलग अलग तापमान होता है ना, जैसे अलग अलग मौसम होता है, उसका अलग अलग ही उसका रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, ऐसे आपको बोलना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो क्या होगा? अगर किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक, मतलब ज़्यादा एम्पियर का, 25 एम्पियर का है, उसको मैं 32 एम्पियर का हमने फ्यूज लगा दिया तो क्या होगा? तो दोस्त, ये होगा सर्किट में ओवरलोड होने पर गंभीर हानि होगी, मतलब वो ट्रिप नहीं होगा और नुकसान अपनी होगी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाए तब लोड का कुल का रेटिंग क्या होगा? जैसे एक लैंप का आपका कैपेसिटी है और ज़्यादा आप लगा दिए तो उसका कुल का रेटिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इसमें आपको उत्तर देना है, रेजिस्टेंस उसमें घटता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का प्रभाव घट जाता है, आपको एक लाइन में बोलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार लैंप प्रत्येक 1000 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं तो इन लैंपों द्वारा लिया जाने वाला करंट कितना होगा? ठीक है दोस्त, ये आपको सवाल पूछा जाएगा फेस टू फेस, तो आपको बोलना है 2 एम्पियर करंट होगा। अब कैसे निकलेगा आपको बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, एम्पियर कैसे निकलता है, वोल्ट और एम्पियर कैसे आप निकाल सकते हैं, अगला वीडियो हम बना देंगे अगर कमेंट करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, कॉपर तार की रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? कॉपर जो तार होता है उसका रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उत्तर देना, तार की लंबाई बढ़ने से बढ़ता है, जैसे कि जितना दूरी में तार लेके जाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, कॉपर का रेजिस्टेंस ऐसे बढ़ता है, आपको एक लाइन में बोलना है। अगला सवाल होगा, जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई हीटर जल जाता है उसको फिर हम रिप्लेस करते हैं, रिप्ले करते हैं, मतलब उसको हम मेंटेनेंस करके फिर जलाते हैं तो क्या होगा? हीटर की पावर बढ़ जाती है। ठीक है ना, जैसे जला हुआ तार पे फिर आप सही कर दिए तो हीटर के पावर बढ़ जाती है। 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट की हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश क्यों कम हो जाता है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, लाइन में अधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है तब लैंप और हीटर को कम वोल्टेज मिलती है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है ना, कम वोल्टेज मिलने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होती है। दोस्तों, अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी, अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो मैं बनाते रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।